This ends now. इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ हॉलीवुड की टॉप 12 बेहतरीन मूवीज को जिन्हें आप यूट्यूब पे इजीली वॉच करने वाले हैं और इन मूवीज के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन भी देखने को मिलने वाला है। सो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को आप लोगों ने मिस नहीं करना है गाइज, वरना आप एक अच्छी मूवी मिस कर दोगे। बाकी यार लाइक सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते, जस्ट आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ये सारी की सारी मूवीज यूट्यूब पे होने वाली है, अगर इन मूवीज में से कोई लिंक काम नहीं कर रहा तो उस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर नाकाम रहे तो कोई वापस नहीं जाएगा, तो क्या कहते हैं? किसी से डरते सही हैं क्या? बोला नंबर 12 पे प्लेन, ये मूवी आई थी 2023 में और इसे IMDb ने 6.5 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली ये मूवी एक्शन थ्रिलर के ऊपर बेस्ड होने वाली है जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे प्लेन की जो अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भर जाता है, लेकिन गाइस मौसम खराब होने की वजह से वो प्लेन एक आइलैंड पे क्रैश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आइलैंड पे कुछ खतरनाक माफियाज रहते हैं जो उन प्लेन्स के पैसेंजर को किडनैप कर लेते हैं, मतलब कि बंदी बना लेते हैं। तो आगे चल के इस कहानी के अंदर वो पैसेंजर्स अपने आप को वहां से निकाल पाते हैं कि नहीं, आप जानने वाले हैं इस मूवी के अंदर। इलेवन पे एक डार्क कॉमेडी मूवी जिसका नाम है डेथ एट ए फ्यूनरल, ये मूवी आई थी 2010 में और इस मूवी को IMDb ने 5.7 की रेटिंग दी है। तो इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक अरोन नाम का बंदा जिनके फादर की मौत होने के बाद उनके फ्यूनरल पर कई सारी मिस्ट्रीज रिवील होने लगती हैं जो कि देखने लायक हैं। इसके साथ साथ फिल्म में नेक्स्ट लेवल की कॉमेडी भी क्रिएट हो जाती है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग इस मूवी को वॉच करते हैं या फिर नहीं। नंबर 10 पे मैन इन ब्लैक 3, ये मूवी आई थी 2012 में और इसे IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। तो गाइस इस मूवी के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का साइंस फिक्शन एक्शन एडवेंचर भी देखने को मिलने वाला है। तो सडनली ये मूवी फोकस करती है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसका नाम होता है मैन इन ब्लैक। असल में मैन इन ब्लैक दुनिया से हिडन रह के काम करता है और उन एलियंस को पकड़ता है जो ज़मीन पर अटैक करने वाले होते हैं। अब मेन कहानी फोकस करती है एजेंट के और एजेंट जे के ऊपर जो निकल जाते हैं कुछ खतरनाक एलियंस को पकड़ने के लिए जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए होते हैं। अब आगे चल के इस मूवी के अंदर क्या कुछ होने वाला है ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। नंबर 9 पे लूसीफर सीजन 2, ये एक सीरीज है जो कि रिलीज हुई थी 2016 में। इस सीरीज के और भी काफी सारे सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन गाइस फिलहाल यूट्यूब पर आपको सीजन 2 के 1 से लेकर 6 तक एपिसोड्स देखने को मिलने वाला है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी यार आप लोग तो जानते ही होंगे कि लूसीफर कौन है और इसकी कहानी क्या होने वाली है। मैं तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ क्योंकि मेरी एंट्री धांस से होती है। 8 पे एक साइंस फिक्शन डिजास्टर मूवी जिसका नाम है मीटियोर एपोकलिप्स, ये मूवी आई थी 2010 में और इसे IMDb पर रेटिंग्स मिला 3 out of 10। बाकी इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से स्पेस में से कुछ खतरनाक मीटियोर अर्थ की ओर आ जाते हैं, मतलब कि अर्थ की ओर गिरने लगते हैं जिसे अर्थ को बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, जैसे कि अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। और अब इस कहानी के अंदर आगे चल के क्या कुछ होने वाला है, क्या इंसान इस मीटियोर को रोक पाते हैं कि नहीं, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। सेवन पे दी प्लेटफॉर्म, ये मूवी आई थी 2019 में और इसे IMDb ने 7 out of 10 की रेटिंग दी है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की हॉरर थ्रिलर मूवी होने वाली है और इस फिल्म की कहानी में हमें फ्यूचर की जेल दिखाई जाती है जहां प्रिजनर्स को अलग अलग अपार्टमेंट्स में रखा जाता है और उन्हें फूड भी अपने हिसाब से सप्लाई किया जाता है, मतलब कि मान लो अगर आप लोग फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले हो तो आपको खाना मतलब कि फूड बिल्कुल भी कम दिया जाएगा, और अगर आप टॉप फ्लोर पर बंद हो मतलब कि अपनी सज़ा काट रहे हो तो आपको खाना बेहिसाब दिया जाएगा, मतलब कि गाइस बहुत ज़्यादा दिया जाएगा जो आप लोग ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो इस जेल के अंदर नीचे रहने वाले लोग कैसे सरवाइव करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये आप जानने वाले हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी देखते टाइम आप लोगों का माइंड शॉक होने वाला है। Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. नंबर 6 पे ए टेल ऑफ टू सिस्टर्स, ये मूवी आई थी 2003 में
और इसे IMDb ने 7.1 की रेटिंग दी। और ये मूवी हॉरर थ्रिलर के ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो गाइज इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है दो बहनों की जो मेंटल असाइलम से अपने घर वापस आ जाती हैं। उसके बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि इनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। और अब देखने हैं क्या दोनों सिस्टर इस मिस्ट्री से निकल पाते हैं कि नहीं, ये आप जानेंगे इस मूवी के अंदर। नंबर 5 पे शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, ये मूवी आई थी 2023 में और इसे IMDb ने 6 out of 10 की रेटिंग दी है। तो ये एक एक्शन फैंटसी मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है बिली बैटसन को, जो कि अपनी लाइफ मज़े में जी रहा होता है। लेकिन इस फिल्म की कहानी तब पलट जाती है जब बिली बैटसन की मुलाकात कुछ जादूगरनी से हो जाती है और वो बिली और उसके फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिली ने उनकी पावर्स को चोरी किया है। तो अब वो जादूगरनी अपनी पावर्स को वापस लाने के लिए ज़मीन पर आ चुकी है और इनके बीच एक खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो जाती है जो कि देखने लायक है। दुनिया को बचाना है, जो एक फाइटर पायलट होता है उसके पीछे कुछ खतरनाक स्टारशिप पड़ी होती है उसे मारने के लिए। लेकिन गाइस एडम एक पोर्टल खोल के फ्यूचर में से पास्ट में चला जाता है और वहां से उसकी मुलाकात अपने आप से अपने वर्जन से होती है, मतलब कि 12 साल के एडम से हो जाती है। और वो दोनों मिलकर एक अलग ही मिशन पर निकल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्की और खतरनाक होने वाला है। किसी से डरते सही हैं क्या? बोला। 3 पे वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज, मूवी आई थी 2021 में और इसे IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी और ये एक्शन साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। तो गाइज इस मूवी को मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ, लेकिन क्या करें ये मूवी यूट्यूब पे आती जाती रहती है। तो अब इस फिल्म की मेन कहानी को कवर कर लेते हैं। तो इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है एडी ब्रोक को, जो एक रिपोर्टर होता है और वो एक खबर लिख रहा होता है एक मुजरिम के ऊपर जो एक जेल में बंद होता है। और एडी जब उसे मिलने के लिए जाता है तो वो उसे काट लेता है। उसके बाद क्लीटस एक खतरनाक वेनम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसे वेनम वर्सेस वेनम फाइट स्टार्ट हो जाती है। तुम्हें देखकर घर जैसा लगता है, परिवार जैसा। 2 पे एक फैंटसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है डंजियंस एंड ड्रैगन हॉर्न और अमोंग थीव्स, ये मूवी आई थी 2023 में और इसे IMDb ने 7.4 की रेटिंग दी है। ये मूवी फिलहाल YouTube पे नहीं है गाइस, इसलिए आप इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गाइस मैं आपको बता दूं ये मूवी तमिल तेलुगू में अवेलेबल है, इसे हिंदी में फिलहाल डब नहीं किया गया। तो इस कहानी के अंदर में दिखाया जाता है कुछ थीव्स को जो एक कीमती चीज़ को खोजने के लिए निकल जाते हैं, मतलब कि चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन एक ब्लैक मैजिक जादूगरनी की वजह से इनका पर्दाफाश हो जाता है लोगों के सामने। उसके बाद ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं अपना बदला लेने के लिए। बाकी इस मूवी के अंदर आपको एक अलग ही लेवल का एडवेंचर और ड्रैगन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस मूवी को वॉच करते हैं या फिर नहीं। नंबर 1 पे एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है नोविंग, ये मूवी आई थी 2009 में और इसे IMDb ने 6.2 की रेटिंग दी है। तो ये भी एक दुनिया की एंडिंग होने वाली मूवी है जिसके अंदर आपको अलग ही लेवल से प्रेजेंट किया गया है कि दुनिया का अंत कैसे होने वाला है। इसके अंदर हमें निकोलस केज देखने को मिलने वाले हैं जो एक टीचर होते हैं और वही इन चीज़ों का पता लगाते हैं कि दुनिया का खात्मा कब होने वाला है। तो ये थी हमारी कुछ बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज़। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।